आज लोखी के बारे में बता रहा हूं। लंबा कद्दू, ये लोखी लंबा कद्दू एक ऐसी कुदरती गिजा है, कुदरती दवा है, औरतों के लिए, मर्दों के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए बहुत मुफीद है। इसे रोज इस्तेमाल करो, इसमें कोई नुकसान नहीं होता। मेरे दोस्तों भाइयों, जो औरतों को माहाना तकलीफ होती है, पेट का दर्द होता है गजब का, मेरे दोस्तों भाइयों, अगर इसका जूस बना के पीते रहेंगे 50 ग्राम छिलके के साथ और 2 चंडू के फूल गेंदे के, पीछे का ऐसा कट करके फेंकना, सामने का ऐसा डालना, और 10 किशमिश मुनक्का और आधा नींबू का रस, आधा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच और 3 चम्मच अलवेरा और 1 चम्मच जैतून का तेल, 1 चम्मच अरंडी का तेल, 1 चम्मच खोपरे का तेल और 1 थोड़ी मिश्री डालकर जूस बना के घर में बच्चों को पिलाओ, भाई को बच्चों को, मर्द बच्चों को, और तुम्हें खुद पियो। महाना मंथली करेक्ट होता है, यानी लिवर की बेहतरीन दवा समझो ये जूस, लिवर की बेहतरीन दवा। लिवर क्या है? जिस्म के अंदर बादशाह है, बादशाह अच्छा रहा, तंदुरुस्त रहा, पूरी रियाया अच्छी रहती। मेरे दोस्तों, जैसे चाय की आदत डाल लेती तुम्हें सुबह होते ही मरने के वास्ते, ऐसा जीने के वास्ते ये आदत डाल लो, एसिडिटी की बीमारी नहीं आती, गैस्ट्रिक नहीं आता, हार्ट अटैक नहीं आता, कैंसर नहीं आता। मेरे दोस्तों, दुनिया के बीमारियां से बचती वो चाय पीने के बजाय ये जूस पीना शुरू करो। अगर तुमने चाय ही पीना है तो इसका सूप बनाओ, इसका सूप बना को अच्छा पकाओ, जीरा अजवान सौंफ डालो, थोड़ा काला नमक डालो और इसका सूप बनाओ। सूप बना के चाय की तरह पियो, मेरे दोस्तों हमेशा तंदुरुस्त रहती। और ये सालन बनाकर रोज खाओ, इसका चाटना बनाकर रोज खाओ, मेरे दोस्तों भाइयों, हमेशा खूबसूरत रहती, तंदुरुस्त रहती। दोस्तों, क्योंकि दुनिया में अल्लाह भेजा तंदुरुस्त रहने, तंदुरुस्ती को हासिल करने, तंदुरुस्ती बांटने, इंसान को दुनिया में भेजने का मकसद वो